नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच में एक कुछ खास बात बताने आया हूँ। दोस्तों, दरअसल जब हम डिजिटल दुनिया की बात करते हैं, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप और भी डिजिटल काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। दरअसल ऐसा भी है कि हम लोग प्रकृति से दूर हो गए और डिजिटल दुनिया से ज़्यादा जुड़ गए, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की शक्ति भी ख़त्म हो गई। दोस्तों, पेड़ काट दिए, पूरी दुनिया से पेड़ों को ख़त्म कर दिया गया, नदियों के रास्ते बदल दिए गए, पहाड़ों को काट दिया गया। मनुष्य ने अपनी सुविधा के अनुसार प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करी। आज प्राकृतिक ऑक्सीजन के बजाय हम अप्राकृतिक ऑक्सीजन ढूंढ रहे हैं। खैर, ये विषय अलग है। क्योंकि मैंने ये विषय इसलिए किया दोस्तों, क्योंकि बिल गेट्स ने 30 अप्रैल को ये बयान दिया है। स्काई न्यूज, एक बिल गेट्स को सभी जानते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के बादशाह, दुनिया के सबसे अमीर आदमी, और इन्होंने भारत जैसे विकासशील और दूसरे गरीब देशों से बहुत अरबों खरबों रुपए अपने कंप्यूटर मोबाइल बेचकर, अपने टेक्नोलॉजी बेचकर कमाए हैं। आज बिल गेट्स ने एक बहुत शर्मनाक बयान दिया। दरअसल एक स्काई न्यूज पत्रिका ने उनसे पूछा कि ये जो वैक्सीन बन रही है, इस वैक्सीन के जो फार्मूले हैं वो दूसरे देशों से भी साझा करने चाहिए। तो बिल गेट्स ने कहा कि विकासशील और गरीब देशों को ये फार्मूले साझा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत शर्मनाक बयान है दोस्तों। और अक्सर हम डिजिटल दुनिया के चक्कर में हमने दूसरे मुल्कों को इस देश में बिजनेस करने दिया, बिल गेट्स जैसे लोगों को। तो इस मुश्किल घड़ी में इन लोगों को जनता के साथ होना चाहिए, विकासशील और गरीब देशों के साथ। पर ऐसा शर्मनाक बयान है दोस्तों, हमें जागना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारी जीवन शैली कैसी हो, हम किस तरीके से आगे देश दुनिया को चलाएं। मैं आपका अपना दोस्त हेम प्रकाश बागड़ी आपसे हमेशा जुड़ा रहूँगा। मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। हम समाज, देश, दुनिया को बदलना आप लोगों के जरिए चाहते हैं। कमेंट्स करिए, मुझे सुझाव दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किस विषयों पर मैं वीडियो सरकार तक पहुँचाऊँ। जय हिंद, जय भारत।